आपको रेस्टोरेंट जैसी सब्जी घर में खानी है तो एक बार आप इस तरह से सोयाबीन आलू की सब्जी ज़रूर बनाइए। इसे आप गर्मा गर्म सब्जी को गर्मा गर्म राइस रोटी के साथ खाइए। इसका स्वाद आप कभी भूल नहीं पाओगे। रेस्टोरेंट का स्वाद आप घर में लेकर आइए, इतना टेस्टी बनता है। चलिए इसे अब हम बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक कटोरी सोयाबीन ली है, जिसे सोया चंक्स भी कहा जाता है, सोया वड़ी कहते हैं, जिसे मैंने 2 घंटे ठंडे पानी में भिगो कर रख दी थी। देखिए किस तरह से नरम हो गया है। अब इसे हम हाथों से इस तरह से दबा कर सारा पानी इसका निकाल लेंगे। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 5 मिनट पानी गर्म करिए, फिर उसमें सोयाबीन डालिए गर्म पानी में, फिर उसके बाद में इसके पूरा पानी निकाल दीजिए, तभी भी नरम हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने 4 से 5 आलू ली हूँ, जिसे छील कर 2 टुकड़े में कर दी हूँ। छोटे साइज़ का आलू था इसके लिए 2 टुकड़े की, बड़े साइज़ के आलू हो तो आप 4 टुकड़े कर सकते हो। 2 चम्मच तेल हम गर्म कर लेंगे, कढ़ाई में अच्छी तरह से सब तरफ फैला देंगे, ताकि कहीं से जब हम इसमें फ्राई करें तो कुछ चिपके नहीं। सबसे पहले हम आलू फ्राई करेंगे। 60 से 70% आलू हमें तेल में ही पकाना है। ऊपर से कोटिंग आ जाए, आलू पूरी तरह से क्रिस्पी हो जाए, तब तक इसे हमें तेल में फ्राई करना है। इस तरह से आलू फ्राई करके हम सब्जी बनाएंगे। यकीन मानिए सब्जी का टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में सब्जी बनकर तैयार होगी। देखिए इस पर कलर आ रहा है, पर थोड़ा सा इस पर थोड़ा कलर और आने देंगे और इसे हम क्रिस्पी क्रंची बनाएंगे। बहुत टेस्टी बनकर सब्जी तैयार होगी। देखिए अच्छा खासा कलर आ गया है। अब इसे हम तेल में से निकाल लेंगे। एक बार इस तरह से आप सोयाबीन आलू की सब्जी ज़रूर बनाइए। यकीन मानिए घर में सबको बहुत पसंद आएगा। अब हम इसी तेल में सोयाबीन को फ्राई करेंगे। सोयाबीन डाल देंगे और इसे चलाते हुए जब तक सोयाबीन पूरी तरह से क्रिस्पी ना हो जाए तब तक इसे हमें पकाना है। पहले हमने इसमें आलू फ्राई कर दिए थे तो बिल्कुल भी सोयाबीन चिपकेगा नहीं, क्योंकि तेल हमने सब तरफ फैला दिए थे। देखिए इस पर भी कलर देखिए आ रहा है। इसी तरह से सब्जी हम बनाएंगे। एकदम रेस्टोरेंट जैसी सब्जी घर में बनकर तैयार होगी। देखिए पूरी तरह से कलर आ गया है, क्रिस्पी हो चुका है। गैस बंद कर देंगे और सोयाबीन को भी हम आलू में ही निकाल देंगे। अलग अलग नहीं निकालना है, सब साथ में ही निकाल लेंगे। देखिए सोयाबीन आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम कुछ मसाले तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम मिक्सी जार में 1 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर हमने बड़ी सौंफ लिए हैं। यहाँ पर हमने 8 से 10 दाना काली मिरी लिए हैं और एक यहाँ पर हमने बड़ी इलायची ली है, इसे हमने बिना छीले डाले हैं। आधा इंच का है टुकड़ा छोटा सा दालचीनी है। 3 से 4 लौंग लेना है। 4 हरी मिर्च है, मिर्च को हम तोड़कर डालेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से डालिए। यहाँ पर हमने 1 इंच अदरक ली है, जिसे छील कर धोकर छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। 10 से 12 कली लहसुन लेना है। बहुत टेस्टी मसाला बनकर तैयार होगा। यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का हमने प्याज लिए, जिसे हम रफली चॉप कर लेंगे। एक बार आप इस तरह से मसाला बनाकर सब्जी ज़रूर बनाइए। और यहाँ पर हमने 2 टमाटर लिए हैं, जिसके हमने बी निकाल लिए हैं, रफली चॉप कर लिए हैं। इसे भी हम मसाले के साथ में डालेंगे और सारे मसाले को हमें एकदम महीन पीसकर तैयार कर लेना है। देखिए इस तरह से जिस कढ़ाई में हमने सोयाबीन और आलू फ्राई किए थे, उसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम तेजपत्ता डालेंगे। 1/4 चम्मच जीरा डालना है। धीमी आंच पर हम मसाले को अच्छे से तड़का लेंगे। तेज़ आंच बिल्कुल नहीं रखना है, वरना मसाले जल सकते हैं। मसाले देखिए अच्छे से तड़क चुके हैं। अब इसके अंदर हम पीसे हुए मसाले डालेंगे। जो मसाला हमने पीस कर रखे थे सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। मिक्सी जार में देखिए मसाला लगा है, थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, मसाले में डाल देंगे। फिर इसमें हम छोटा आधा चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। छोटा आधा चम्मच यहाँ पर हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली है तीखे के लिए। स्वादानुसार नमक डालना है। मैं यहाँ 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से नमक डालिए। सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले की भुनाई हमें बहुत अच्छे से करनी है। ऑयल सेपरेट हो जाए तब तक मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। मसाला देखिए अच्छे से भुना गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, खुशबू भी बहुत अच्छे से आने लगी है। अब इसमें हम फ्राई किए हुए आलू और सोयाबीन डाल देंगे और मसाले के साथ में इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से एक बार आप सब्जी ज़रूर बनाइए, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद में ढक कर इसे कम से कम 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर अब मसाले के साथ में सोयाबीन और आलू को पकने देंगे। ध्यान देना है, धीमी आंच पर ही हमें इसे पकाना है, तेज़ आंच पर बिल्कुल नहीं पकाना है, ना ही मीडियम पर। देखिए अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, कम से कम 2 से ढाई गिलास हमें पानी डालना है क्योंकि सोयाबीन पानी को सोखता है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम बॉईल आने देंगे। मैं आपको याद दिला दूँ, आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो कुक विद मनोरमाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ऐसी मज़ेदार नई नई आने वाली रेसिपी के लिए। अब इसमें हमने 1 चम्मच कसूरी मेथी हाथों से रब करके डाले हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसे हम ढक कर और मीडियम आँच पर सब्जी को पका लेंगे। जब तक पूरी तरह से आलू और सोयाबीन नहीं पक जाता तब तक इसे पकाना है। देखिए सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी है, आलू भी कट रहा है, सोयाबीन भी पक चुका है। इसमें हम हरी धनिया डाल देंगे। गैस को बंद करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। गर्मा गर्म सोयाबीन आलू की सब्जी को आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। घर में बच्चे बड़े मेहमान सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। इसे आप राइस के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, आपको जैसे पसंद हो वैसे खाइए। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में इससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।